अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रुबाम मलिक हेयर विद यू विद आर लेक्चर नंबर टू, दैट इज़ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. सो द ब्रांच नंबर वन दैट वी विल स्टडी हेयर इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. एज द नेम इंडिकेट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट मीन्स इट विल स्टडी, इट इज़ द स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द दैट मेड अप द सेल्स, दैट मेड द सेल्स आर स्टडी अंडर द ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. सो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कम्स अंडर द ब्रांच दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. द नेक्स्ट वन वी हैव इज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन्स द स्मॉल वन, द स्मॉल थिंग्स. इट मीन्स द ऑल, वी कैन से द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वी कैन नॉट सी दैम विद आर नेकेड आई एंड वी नीड टू सी दैम आर द थिंग दैट इज माइक्रोस्कोप. सो ऑल द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. एंड द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, वायरस दैट आर दैट वी कैन नॉट सी विद आर नेकेड आई एंड दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द नेक्स्ट वन वी हैव इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी. द नेम इंडिकेट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी. इट मीन्स इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, के हमारे इर्द गिर्द क्या मौजूद है, कौन से बायोटिक फैक्टर्स हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन तमाम चीज़ों की स्टडी क्या क्या किस में आएगी हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में. अनदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज ऑल्सो द टर्म दैट इज़ यूज टू स्टडी द एनवायरमेंटल बायोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज मेरीन बायोलॉजी. मेरीन इन खारा पानी. इट मीन्स द लाइफ ऑफ सीज एंड ओशियंस. वो तमाम लाइफ जो सीज समंदर में मौजूद है, ओशियंस में मौजूद है, उसकी तमाम चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम मरीन बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी. इट मीन्स मीठा पानी. तो वो तमाम एस्पेक्ट्स मीठे पानी की ज़िंदगी के, यानी कि मीठे पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनके सराउंडिंग को पढ़ना, द पीएच फैक्टर एंड ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द टर्म्स दैट इज़ फ्रेश वाटर बायोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी. इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट द फूड एंड शेल्टर. इट मीन्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट लिव विदाउट देयर होस्ट. नाउ देयर इज अ टर्म होस्ट. सो व्हाट इज होस्ट? होस्ट क्या है? होस्ट वो बॉडी है, इट कुड बी द एनिमल बॉडी एंड इन केस ऑफ यू इट कुड बी द प्लांट बॉडी एज वेल. तो होस्ट वो बॉडी है जिस पर कोई भी पैरासाइट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो खुद अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता अपने होस्ट के बगैर, वो इसके ऊपर रहता है. सो देयर इज़ अ होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप. यानी कि पैरासाइट रहते हैं होस्ट के ऊपर किस चीज़ के लिए? इनसे फूड हासिल करने के लिए, और दूसरा इन शेल्टर के लिए. ठीक. और इसके रिटर्न में ये क्या करते हैं कि अपने ही होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट. कि पैरासाइट क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता, वो अपनी लाइफ गुजारने के लिए डिपेंड करता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर. वो दूसरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है होस्ट, और ये उस होस्ट से अपना फूड लेता है, शेल्टर लेता है, और इन रिटर्न ये उस होस्ट को नुकसान पहुंचाता है. वो नुकसान किसी भी सूरत में होता है, उसको कोई बीमारी पहुंचा सकता है. तो वो तमाम पैरासाइट्स को हम पढ़ते हैं जिस टर्म के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर, वो कहलाती है पैरासाइटोलॉजी. अब पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स और एंडो पैरासाइट, जो कि उनके नाम से जाहिर हो रहा है. एक्टो पैरासाइट यानी कि जो किसी भी होस्ट की आउटर सरफेस पर रहेंगे, बाहर रहेंगे, और एंडो पैरासाइट्स यानी कि वो उस होस्ट के अंदर मौजूद होंगे, बाहर सरफेस पर मौजूद नहीं होंगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन बायोलॉजी. अब ह्यूमन बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन का तमाम इंटरेक्शन अपने सराउंडिंग से, और ह्यूमन बीइंग की तमाम चीज़ें, उनकी एनाटॉमी, ऑर्गन्स की, उनकी फिजियोलॉजी, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर. द नेक्स्ट वन इज़ सोशल बायोलॉजी. टर्म इंडिकेट करिए सोशल, यानी कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में. तो हमारा इंटरेक्शन हमारी सोशल लाइफ से, हमारा बिहेवियर कैसा है, या हमारी सोशल लाइफ का ह्यूमन बीइंग के ऊपर, या ह्यूमन बीइंग के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, वो तमाम इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर. द लास्ट वन वी हैव हेयर इज़ बायोटेक्नोलॉजी. इट इज़ अ मॉडर्न ब्रांच ऑफ बायोलॉजी.
बायोटेक्नोलॉजी इट मींस ऑल द टेक्निक्स, वो तमाम टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करें किसके वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, बायोलॉजी यानी कि लाइफ के वेलफेयर के लिए, वो तमाम टेक्निक्स जो हम पढ़ते हैं समझते हैं वो किसके अंदर आती है हमारे पास, जिस टर्म के अंदर, वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। और ये साइंस की एक मॉडर्न ब्रांच है, बायोलॉजी की एक मॉडर्न ब्रांच है।